नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक ठाक है। मैं अभिषेक आप लोगों को स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर बर्ड्स में। तो आज एक नया बर्ड्स के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। तो ये जो फिंच है ये है मास्क्ड फिंच। बहुत सारा लोग तो इसको मास्केट ग्रास फिंच भी कहते हैं। ये स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया के शुष्क इलाकों में मिलता है। ज़्यादातर सावाना एरिया में, ग्रास लैंड में ये बर्ड मिलता है। जहाँ पर छोटा छोटा वाटर होल हो वहाँ पर ये बर्ड ज़्यादा मिलता है। ये बर्ड छोटा छोटा झुंड में हर वक्त ग्रास में कुछ ना कुछ खोजता रहता है, लेकिन शाम के टाइम और सुबह के टाइम पानी पीने के लिए हज़ारों के तादाद में एक जगह आते हैं। शुष्क इलाकों में रहने के कारण जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ पर ये सब बर्ड एक जगह आता है। कई कई बार तो पानी पीने के लिए बहुत दूर से भी इन सब बर्ड को ट्रैवल करके आना पड़ता है। आते हैं बर्ड का साइज़। ये बर्ड 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। मेल बर्ड फीमेल बर्ड से थोड़ा सा बड़ा होता है। कलर जो है वो ब्राउन कलर का बैक होता है। फेस में छोटा सा ब्लैक कलर का मार्क्स होता है और ब्रीक मतलब चोंच जो होता है वो येलो कलर का। पेट का कलर लाइट ब्राउन होता है। पैर का कलर और चोंच का कलर लगभग सेम ही होता है, डार्क येलो कलर का। इसके साथ साथ पैरों के साइड में एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है जो कि दोनों तरफ रहता है। तो आप फास्ट लुकिंग में दूर से देख के आप कह सकते हो कि ये बर्ड एकदम लॉन्ग टेल की तरह दिखता है। हाँ दोस्तों, ये बर्ड एकदम लॉन्ग टेल की तरह ही दिखता है। सिर्फ फर्क है लॉन्ग टेल में जो कॉलर या फिर टाई होता है इसमें वो नहीं होता है। अब आते हैं इसके खाने के बारे में। नेचर में ये बर्ड सारा दिन ग्रासलैंड में घास के जो बीज होता है वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारे केज में ये नॉर्मली फिंच का जो सीड मिक्स होता है वही खाता है, जिसमें कैनरी है, छोटा काउन, बड़ा काउन, ब्लैक सीड, रेड मिलेट, वाइट मिलेट, ये सब एक साथ मिला के देने से अच्छा खाता है। सॉफ्ट फूड में बॉयल्ड एग, सीजनल वेजिटेबल्स सब खाता है। इसके साथ साथ केज के अंदर कैल्शियम के लिए कैल्शियम ब्लॉक या फिर समुद्री झाँक या फिर कह सकते हो कैटल फिश बोन और ग्रीट भी देना पड़ता है। अब आते हैं इसके ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग का जो पहला स्टेप है वो है पेयरिंग करना। दोस्तों, इस बर्ड का पेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो बंदा नया पाल रहा है बर्ड उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल लगभग एक ही तरफ का दिखता है। लेकिन आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो आप आसानी से पहचान सकते हो मेल और फीमेल का डिफरेंस। मेल और फीमेल का डिफरेंस होता है जो मार्क्स का साइज़ होता है, मेल का थोड़ा सा बड़ा होता है और फीमेल का थोड़ा सा छोटा। इसके अलावा चोंच का या फिर ब्रीक का जो कलर होता है मेल में थोड़ा सा डार्क होता है और फीमेल में थोड़ा सा लाइट होता है। और सबसे बड़ा जो फ़र्क है साइज़ में, मेल बर्ड थोड़ा सा बड़ा और फीमेल बर्ड थोड़ा सा छोटा होता है। तो मेल फीमेल कन्फर्म होने के बाद आप इस बर्ड को लगभग 8 से 12 महीने के अंदर पेयर में बिठाने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। सही पेयरिंग और सही एज में ब्रीडिंग में बिठाने के बाद ये बर्ड बहुत अच्छा ब्रीड करता है। दूसरी ऑस्ट्रेलियाई फिंच की तरह, जैसे कि लॉन्ग टेल आप पकड़ सकते हो, नॉर्मल लॉन्ग टेल की तरह ही ये बर्ड ब्रीड करता है। नेस्ट के लिए आप इसे बम्बू का बनाया हुआ नेस्ट या फिर वुडन बॉक्स दे सकते हो। नेस्टिंग मटेरियल के लिए सूखा हुआ घास, कोकोनट फाइबर या फिर जूट फाइबर आप यूज़ कर सकते हो। नेस्ट बनाना कंप्लीट होने के बाद ये बर्ड 4 से 6 अंडा देता है और अंडा देने के 14 दिनों बाद ये अंडा हैच होता है। अंडा हैच होने के बाद बच्चा बढ़ने में और नेस्ट के बाहर आने में टाइम लेता है 20 से 23 दिन। बच्चों के ग्रोथ के लिए आप इस टाइम अच्छा सा सीड मिक्स मतलब फिंच का जो नॉर्मल सीड मिक्स होता है वो ज़रूर यूज़ करना, और उसके साथ साथ सॉफ्ट फूड तो ज़रूर यूज़ करना, और सॉफ्ट फूड डेली यूज़ करना पड़ता है। बच्चा 23 दिन या 21 दिन के बाद बाहर आने के बाद आप उसे पेरेंट्स के पास मिनिमम 20 से 25 दिन रहने देना,
जब तक ना वो पूरा पूरी खाना सीख जाए। जब आप कंफर्म हो जाओ कि ये बर्ड पूरा पूरी खाना सीख गया है और सेल्फ डिपेंड हो चुका है, तब आप बच्चों को अलग कर सकते हो। इस बर्ड का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है अगस्त महीने के करीब और ख़त्म होता है अप्रैल मार्च में। इस बर्ड का लाइफ स्पेंड जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला वो नेचर में 5 साल तक अच्छी तरीके से जी लेता है और केज में ये चीज़ बढ़ के 7 साल तक जाता है और इसी दौरान 5 साल तक ये अच्छे से ब्रीड कर लेता है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।